मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शहर इंदौर में स्वास्थ्य के प्रति सहज रहने के लिए ओपन जिम की सौगात आज दी गई। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक रमेश मेंदोला ने मेघदूत गार्डन में ओपन जिम का आगाज किया। हमारी संवाददाता शालिनी हाडिया ने ओपन जिम का जायजा लिया। मौजूदा दौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब एक नई कवायद तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेघदूत गार्डन के अंदर एक ओपन जिम की शुरुआत आज से की गई है और उसके साथ लोगों को हेल्दी एटमॉस्फेयर देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं कोरोना का संक्रमण है तो वो शहर इंदौर है और हर दिन यहाँ के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसका आज जो शुभारंभ है वो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और रमेश मेंदोला जो कि विधायक है उनके द्वारा किया गया और ये ओपन जिम के माध्यम से लोगों को सेहतमंद बनाने की जो कवायद है उसको भी और ज़्यादा तेज कर दिया गया है। हालांकि ये शहर का पहला ओपन जिम है और इसके बाद अलग अलग जगह इसी तरह को निर्मित करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। हालांकि इंदौर शहर में इस समय पूरी तरह से जो पार्क है उन पर प्रतिबंधित है, लेकिन सुबह 6 बजे से 9 बजे का समय केवल निर्धारित है सेहत के लिए और आसानी से लोग यहाँ पर आकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लोगों के बीच ही पहुंचते हैं और समझते हैं कि कितना उनको रिलीफ मिल रहा है। ओपन जिम पार्क में होना थोड़ा अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और होना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो कोरोना महामारी आई है इससे लोगों के अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूकता आई है और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस टाइप की ओपन जिम होना चाहिए, जिससे कई लोग ऐसे भी हैं जो पैसा दे के अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं हो पाते, उनके पास समय नहीं रहता, सिर्फ गार्डन में घूम के चले जाते। तो इस टाइप की जिम मैं तो ये बोलता हूँ कि इंदौर में सभी जगह सभी गार्डनों में करना चाहिए और ये हमारे प्रशासन ने और हमारे विधायक साहब ने बहुत अच्छी पहल की है और आगे भी हम ये चाहते हैं कि सभी गार्डनों में इंदौर में इस टाइप की जिम खुले और लोग अपनी सेहत बनाएं। आपको भी लग रहा है थोड़ा रिलीफ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिलीफ मिल रहा है मैडम। पहले तो खाली घूमकर आदमी चले जाता था, अब उस समय में सारे एक्सरसाइज वगैरह सभी हो जाते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो एक नई कवायद है इंदौर में बढ़ते संक्रमण के बीच एक बड़ी सौगात और इस सौगात के माध्यम से लोग अपनी इम्यूनिटी को तो बूस्टअप कर रहे हैं और साथ ही साथ सुबह सुबह की एक्सरसाइज और अब चेयर अप देने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। कैमरा संतोष जडवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर।